क्लास फिफ्थ मैथमेटिक्स, मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर सेवन का सेकंड पार्ट कराने जा रहा हूं, जिसमें आज फ्रैक्शन में डिवीजन बताया गया है। चलिए डिवीजन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्या ये। सो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, तो सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिवीजन हैव बीन सॉल्वड, ब्लो ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। देखो यहाँ पे ट्राई करिए जरा समझने के लिए, ये सिक्स को थ्री से डिवाइड किया गया। देखो सिक्स को थ्री से डिवाइड किया, इसका मतलब क्या हुआ, वी हैव टू डिवाइड सिक्स इन ग्रुप ऑफ थ्री, दैट मीन्स वी सी हाउ मेनी थ्रीज आर देयर इन सिक्स। लेट अस सी, देखो क्या है, ये है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, आपको दिखाया कितना छह है ये, लेकिन क्या करा है इसको थ्री थ्री के ग्रुप ले लिया, वन टू थ्री फिर वन टू थ्री, तो कितने ग्रुप हो गया, फर्स्ट ग्रुप हो गया और ये सेकंड ग्रुप हो गया। सो दैट मीन्स क्या हुआ, देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ थ्री इन सिक्स, दैट मीन्स सिक्स को यदि हम थ्री से डिवाइड करेंगे तो टू आएगा, ये है वो डिविजन। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं जरा आगे, ये एक और दिया है सिक्स डिवाइडेड बाई टू, मीन्स हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ टू आर देयर इन सिक्स, तो सिक्स को देख लेते हैं यहाँ, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स है ये, इनके ग्रुप देखिए वन टू फिर वन टू फिर वन और टू, कितना हो गया, फर्स्ट ग्रुप हो गया, सेकंड ग्रुप हो गया और ये थर्ड ग्रुप हो गया, कितने हो गए, थ्री आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, थ्री ग्रुप्स ऑफ टू इन सिक्स एंड सिक्स डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू थ्री हो जाएगा ये। ऐसे देख लिया सिक्स डिवाइडेड बाई वन क्या होगा, मीन्स हाउ मेनी वंस कैन यू टेक फ्रॉम सिक्स, तो चलिए देखते हैं ये वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, देखिए वन वन को लेना है, ये वन वन, ये वन वन हमने ले लिया, तो कितने ग्रुप में हो गए डिवाइड, देख लीजिए फर्स्ट ग्रुप हो गया, सेकेंड ग्रुप हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया और ये सिक्स हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, वी हैव सिक्स वंस, इसका मतलब सिक्स को अगर वन से डिवाइड करेंगे तो सिक्स आएगा। सो दैट इज योर आंसर, मतलब इस तरह से आपको पता चलना चाहिए कि हाँ डिवीजन हमारा कैसे होता है। चलिए आगे देखिए, नाउ लेट अस सी व्हाट मीन व्हेन वी हैव सिक्स डिवाइडेड बाय वन बाय टू, इसका क्या मतलब हुआ, अगर हमने वन बाय टू से डिवाइड किया तब क्या मतलब हो गया, इसका मतलब होगा सिक्स डिवाइडेड बाय वन बाय टू मीन्स हाउ मेनी वन बाय टू आर देयर इन सिक्स, तो चलिए तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अब क्या करा है, वन का वन बाई टू कर दिया, यहाँ वन बाई टू हो गया, इसमें भी वन बाई टू कर दिया, इसमें भी वन बाई टू, ये हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया हर एक को, ये भी वन बाई टू हो गया, ये भी वन बाई टू हो गया, देखो वन बाई टू वन बाई टू, ये भी वन बाई टू हो गया, ये भी वन बाई टू हो गया, ये भी वन बाई टू हो गया, अब कितने वन बाई टू हो गए ये गिनने हैं आपको, यहाँ देखते हैं वन हो गया, टू हो गया, थ्री है, फोर है, फाइव हो गया, सिक्स हो गया, सेवन हो गया, एट हो गया, नाइन हो गया, टेन हो गया, इलेवन हो गया और ये ट्वेल्व हो गया लास्ट। इसका मतलब क्या हुआ, देयर आर ट्वेल्व पीसेस, ईच पीसेस इज वन बाई टू, इसका मतलब सिक्स डिवाइडेड बाई वन बाई टू इक्वल टू ट्वेल्व हो जाएगा और दैट इज योर आंसर हो जाएगा। का मतलब सिंपल सा समझिए कि अगर सिक्स डिवाइडेड बाई वन बाई टू है, इट मीन्स क्या है, सिक्स इंटू टू बाई वन हो जाएगा, दैट इज ट्वेल्व। ये इस तरह से सॉल्व करने में इजी लगेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं क्या है, डू वी गेट द सेम रिजल्ट शोन अबाउट देन व्हेन द डिविजन इज अ फ्रैक्शन, लेट अस फाइंड आउट। ये क्या है, सिक्स डिवाइडेड बाई वन बाई थ्री, इसका मतलब क्या हो गया, सिक्स डिवाइडेड बाई वन बाई थ्री को अगर हम सॉल्व करें तो सिक्स इंटू थ्री बाई वन कर देते हैं तो ये एटीन हो जाएगा। तो चलिए यही दिखाई दिया, वन बाई थ्री यानी हाउ मेनी वन बाई थ्री आर इन सिक्स, तो ये सिक्स है, पहले देख लीजिए ये वन हो गया, ये टू है, ये थ्री है, फोर है, फाइव है और सिक्स है, इसमें वन बाई थ्री वन बाई थ्री लेना, तो ये वन बाई थ्री हो गया, ये भी वन बाई थ्री हो गया, ये भी वन बाई थ्री हो गया, वन बाई थ्री वन बाई थ्री वन बाई थ्री, एंड थ्री पार्ट्स में हर एक को डिवाइड कर दीजिए, ये भी वन बाई थ्री है, ये भी वन बाई थ्री, ये भी वन बाई थ्री है, ये भी वन बाई थ्री है, ये भी वन बाई थ्री है, सो ये वन बाई थ्री वन बाई थ्री और ये वन बाई थ्री, यहाँ भी वन बाई थ्री है, ये भी वन बाई थ्री है और ये भी वन बाई थ्री है,
इसका मतलब क्या है, काउंट करके देखो तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, यहां से 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहां से 7 हो गया, और ये 8 हो गया, और ये 9 हो गया, यहां से 10 हो गया, और ये 11 हो गया, और ये 12 हो गया, यहां से 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18, 18 ही आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, देयर आर 18 1 by 3 in 6। चलिए देखिए हैं, यानी 6 divided by 1 by 3 is equal to 18 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 6 into 3 by 1 कर दिया तो 18 आ गया। ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि 6 divided by अगर 1 by 3 है तो इसको क्या चेंज करेंगे हम, 6 into 3 by 1 कर देंगे और ये 18 आ जाएगा, और यही आपका आंसर जाएगा। बहुत इजी वे में हो जाता है इस तरह से आपको, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस की तरफ देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है ये सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं। 9 into 9 डिवाइडेड बाई 1/2 का है सॉल्व करने के लिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको इंटू में चेंज करना पड़ेगा। इंटू में कैसे चेंज होगा देख लेते हैं थोड़ा सा। 9 इंटू कितना हो जाएगा, 2/1 कर देंगे, तो 9 2 18 हो जाएगा, सो दैट 1 is your answer। चलिए इसको भी देखते हैं, ये है 2/3 डिवाइडेड बाई है 3/5। इसका मतलब क्या करना है, 2/3 इंटू करेंगे तो 5/3 हो जाएगा। अब ये 2 into 5 हो गया, नीचे 3 into 3 हो गया, तो 5 2 10 हो गया, और 3 3 9 हो गया। लेकिन बच्चों ये यहीं तक छोड़ना नहीं है, सो 10 को डिवाइड करना पड़ेगा 9 से, तो 9 1 9 हो गया और 1 रिमाइंडर बच गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 and 1/9 लिख देंगे और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट को कैसे सॉल्व करेंगे ये और देख लेते हैं। ये आपका ये दिया हुआ है, क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहा है, ये है 4/6 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स 4/6 इंटू करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि इसे अपॉन में 1 ले सकते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा इसका, 2 1 2 हो गया, और 2 2 4 हो गया, और 2 1 2 2 3 6, सो इट बिकम्स 1/3। सो ये आंसर हो जाएगा, सिंपल वे है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा सेकेंड क्वेश्चन पे। ये सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये दिया है 6 डिवाइडेड बाई 1/2, दैट मीन्स क्या हुआ, 6 इंटू 2/1 ले लेंगे, तो 6 2 कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन सेकंड, ये सेकंड क्वेश्चन दिखाई दे रहा आपको, ये है 8 डिवाइडेड बाई 3/4। इट मीन्स क्या हो गया, 8 into 4/3 कर देंगे, इसे 8 को भी 8/1 कर दीजिए, तो 8 into 4 हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा, 1 into 3, यानी कि 8 4 जा 32, और ये 3 1 जा 3 हो गया। लेकिन अब 32 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 32 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 1 जा 3 हो गया, ऊपर से 2 हो गया, नहीं जाएगा तो डिवाइड करने के लिए तो 0 बढ़ा देंगे, तो ये आ जाएगा 10 and 2/3, ये आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को, ये यहाँ है आपको दिया हुआ, देखो 3/4 है, ये फोर्थ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 3/4 डिवाइडेड बाई 6 है, सो 3/4 इंटू करेंगे इसको, 6/1 ले लो, तो 1/6 हो जाएगा, सो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, इसका मतलब 1 into 1 है ऊपर, नीचे 4 into 2 हो गया, तो 1 into 1 तो 1 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, ये फिफ्थ क्वेश्चन ले रहे हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन में है 2/5 है डिवाइडेड बाई 3/9 है, तो क्या हो जाएगा, 2/5 इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 9/3। अब काट के देखते हैं, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, कितना बच गया, 2 into 3 हो जाएगा, नीचे 5 into 1 हो जाएगा, सो 2 3 जा 6 अपॉन 5 हो गया। अब 6 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 बन जा
फाइव हो जाएगा, वन रिमाइंडर बच गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, वन एंड वन बाई फाइव, एंड दैट विल बी योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं जरा क्या है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है ये, फाइव डिवाइडेड बाई है फोर बाई फाइव, तो क्या करना है इसका, फाइव इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा फाइव बाई फोर। तो चलिए इसको फाइव अपॉन वन ले लीजिए, तो फाइव इंटू फाइव हो जाएगा, नीचे वन इंटू फोर हो जाएगा, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, बाई फोर वन जा फोर हो गया। सो ट्वेंटी फाइव को डिवाइड करना किससे है, फोर से, तो फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर हो जाएगा, तो वन रिमाइंडर बच जाएगा, तो देखिए क्या हो गया ये, सिक्स एंड वन बाई फोर हो जाएगा, और दैट विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं जरा, ये आ रहा है वर्ड प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों की, अभी इसको वर्ड की तरह सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो वन बाई वन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और पढ़ना भी है। देखो क्या है, राजू प्लग्ड टू पपियास, वन ऑफ देम वेट वन बाई फोर के जी एंड द अदर वेट वन बाई टू के जी, सो व्हाट इज देयर टोटल वेट, टोटल वेट बताना है, तो इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, ऐड करके देखते हैं, तो वन बाई टू है प्लस का वन बाई फोर, दोनों को ऐड करना है। चलिए कर देते हैं, तो पहले इसको वन बाई टू को पहले फोर बना लेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, तो वन इंटू टू कर देंगे, तो यहाँ टू इंटू टू हो जाएगा प्लस का वन बाई फोर हो गया, कितना आ गया टू बाई फोर हो गया, और इधर वन बाई फोर हो गया, तो दोनों जगह फोर आ गया है, तो फोर यहाँ आ गया, यहाँ पे टू प्लस वन हो जाएगा, ये कुल करके कितना आ जाएगा, ये थ्री बाई फोर आ जाएगा, और यहीं पर आप एज भी लिख देंगे। सो टोटल वेट कितना हो गया, यहां लिखेंगे टोटल वेट, कितना हो गया थ्री बाई फोर के जी। ये आंसर लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, बिना आंसर लिखे नहीं काम बनेगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है ये, अब इसमें पढ़ के देखते हैं इसको क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में है, रितेश ड्रंक वन बाई थ्री लीटर ऑफ मिल्क डेली एंड सीमान ड्रंक वन बाई फोर लीटर ऑफ मिल्क, सो हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क डिड दे कंज्यूम, तो इन दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा। तो वन बाई थ्री है और इसमें कितना ऐड करना है, वन बाई फोर ऐड करना है। तो चलिए देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, तो पहले इसको फोर से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ये फोर से कर दिया, इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल करने होते हैं पहले, तो ये हो जाएगा फोर अपॉन ट्वेल्व हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे थ्री अपॉन ट्वेल्व हो जाएगा। अब ट्वेल्व एक जगह आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा फोर प्लस थ्री, कितना आ गया सेवन अपॉन ट्वेल्व, इतने लीटर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, कितना है, यहां लिखेंगे कंज्यूम मिल्क, इसका तो कितना आ जाएगा सेवन बाई ट्वेल्व लीटर, ये आंसर हो जाएगा आपका। वर्ड प्रॉब्लम में आंसर भी वर्ड में ही देना पड़ता है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, ये आ गया थर्ड क्वेश्चन आपका। अजय डेली जॉग्स थ्री टू बाई फाइव किलोमीटर एंड सीलू जॉग्स वन बाई थ्री किलोमीटर, हाउ मेनी किलोमीटर मोर देन अजय डज सीलू, अब बताना कितना ज्यादा सीलू करती है, इसमें से बताना है आपको। चलिए देखते हैं जरा करके, तो पहले हमें ये सीलू का लेना पड़ेगा वन बाई थ्री, क्योंकि ज्यादा कर रही है, माइनस टू बाई फाइव लेना पड़ेगा। चलिए इसको माइनस कैसे करना है, तो देखिए इसमें मोर का है तो मोर में सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, तो ये हो गया आपका वन इंटू फाइव कर लेते हैं, तो थ्री इंटू भी फाइव करना पड़ेगा, माइनस टू इंटू यहाँ थ्री कर लेते हैं, तो फाइव इंटू थ्री भी करना पड़ेगा, दोनों नीचे इक्वल हो गए, तो फाइव अपॉन फिफ्टीन हो गया, माइनस का सिक्स यहां पर बोला गया है, हाउ मेनी मोर देन अजय डज
सीलो मतलब अजय ज्यादा चल रहा है। तो अजय कितना है हमारे पास, देखो 2/5 है, सो 2/5 माइनस 1/3, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 कर देंगे, डिनोमिनेटर इक्वल करना है, 5 × 3 हो जाएगा माइनस, यहाँ 1 × 5 कर देंगे और यहाँ 3 × 5 हो जाएगा। देखिए कितना हो गया, ऊपर 6/15 हो गया, माइनस का ये 5/15 हो गया, तो 15 दोनों में आ गया है, इसलिए क्या करेंगे ओनली वन टाइम लिख देंगे, तो 6 - 5 कितना आ जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो गया, हाउ मेनी मोर, तो 1/15 किलोमीटर मोर, सो दैट विल इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी क्या है, ये है इफ अ रेक्टेंगुलर टाइल्स हैज 3/5 मीटर एज द लेंथ एंड 1/2 मीटर एज द ब्रेथ, व्हाट इज इट्स एरिया, एरिया का फॉर्मूला दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो चलिए पहले लेंथ लिख लेते हैं कितनी है, लेंथ गिवन है 3/5 मीटर, और इसके बाद ब्रेथ दी हुई है, ब्रेथ कितनी है बच्चों 1/2 मीटर है। चलिए एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। बच्चों जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला आपको दिया ही जाए, तो ये ध्यान रखना है, तो ये हो जाएगा 3/5 × 1/2 कितना आ जाएगा, ऊपर से 3 × 1 हो जाएगा, नीचे 5 × 2 हो जाएगा, सो इट इज 3/10, और इसकी यूनिट है बच्चों मीटर दिया, तो यहाँ स्क्वायर मीटर लिखेंगे, स्क्वायर मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस स्क्वायर मीटर को जो है आप शॉर्ट में आप स्क्वायर मीटर ऐसे भी लिख सकते हो या मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो ये दोनों तरीके हैं आपको लिखने के, चाहे इस तरीके से लिखो चाहे इस वाले तरीके से लिखो, मर्जी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये एक और फिफ्थ क्वेश्चन है, सरिता हैड 8/10 केजी ऑफ स्वीट, सी गेव 1/2 ऑफ हिज ऑफ दिस टू राधा, हाउ मेनी केजी ऑफ स्वीट इज लेफ्ट, मतलब ये है कि आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कितने लेफ्ट बच गई है, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, 8/10 केजी लेंगे, फिर माइनस का 1/2 केजी ले लेते हैं। चलिए देखते हैं जरा, अब इसको 10 बनाना पड़ेगा, तो 8/10 है यहाँ पे, माइनस इसको कितना करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये आपका 10 बन जाएगा, सो ये हो गया 8/10 माइनस का 5/10, सो टेकिंग देयर एलसीएम 10 आ गया, यहाँ आ जाएगा 8 - 5 कितना हो जाएगा 3/10 हो जाएगा, सो 3/10 क्या हो गया लेफ्ट, तो लेफ्ट स्वीट कितनी हो गई, यहाँ लिखेंगे लेफ्ट स्वीट इज इक्वल टू 3/10 ऑफ केजी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज बच्चों बस यहीं तक छोड़ रहा हूं मैं, ये नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल सके। मेरे वीडियो को देखने के लिए, मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक। इसी के साथ मैं आरएस प्रसाद आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।